हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल रोबोटिक्स में। तो आज हम मैं बताऊंगा आपको फ्लेम सेंसर के बारे में और इस पर हम एक प्रोजेक्ट भी करेंगे। पर उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपसे कि जब मैंने मेरा पहला वीडियो बनाया था अनबॉक्सिंग 37-in-1 सेंसर किट का, तब मैंने उसमें कुछ सेंसर के बारे में नहीं बताया था। तो ये था वो सेंसर, वो ये अभी मुझे पता चल गया क्या है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो ये है एक मर्क्यूरी टिल्ट स्विच। तो ये देखिए, ये होता है मर्क्यूरी टिल्ट स्विच। तो जब हम इसे टिल्ट करते हैं इसे, तो इसमें ये मर्क्यूरी होती है वो ना करंट के कांटेक्ट में आती है और ये एलईडी जलती है। तो बस यही सेंसर के बारे में मुझे पता नहीं था, तो ये पता चल चुका है। तो इसको आप साइड में रख देते हैं और अब हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये है फ्लेम सेंसर। जब इसके कॉन्टैक्ट में कोई आग या फ्लेम आती है तो ये सिग्नल भेजता है आर्डुइनो को। तो अब हम इसकी रिक्वायरमेंट जान लेते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। तो पहले तो हमें लगने वाला एक फ्लेम सेंसर, दूसरा हमें लगने वाला एक आर्डुइनो यूनो बोर्ड, मेल टू फीमेल की जंपर वायर लगने वाली है 5, ये एलईडी लगने वाली है। इस प्रोजेक्ट में भी मैं आरजीबी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये केबल लगने वाली है, यूएसबी केबल आर्डुइनो को प्रोग्राम करने के लिए। तो चलिए कनेक्शंस देख लेते हैं। तो पहले तो ये एनालॉग, इस फ्लेम सेंसर में 4 पिन होती है। A0 यानी कि एनालॉग जाएगी आर्डुइनो के A0 में, जो कि है एनालॉग पिन नंबर 0। तो दूसरी है ग्राउंड की, ये जाएगी आर्डुइनो के ग्राउंड में। अब 5 वोल्ट की पिन प्लस 5 वोल्ट की हो जाएगी आर्डुइनो के प्लस 5 वोल्ट। तो फ्लेम सेंसर की कनेक्शन हो चुकी है। अब हम इस आरजीबी के कनेक्शन करते हैं। तो ये निगेटिव जो है आरजीबी की हो जाएगी ग्राउंड में और पॉजिटिव है, मतलब मैं इधर ग्रीन इस्तेमाल करने वाला हूँ कलर, ये जाएगी 13 पे पॉजिटिव। तो ये कनेक्शंस हो गए हैं। तो चलिए अब प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग से के पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट की और एक रिक्वायरमेंट है, वो है एक मोमबत्ती, क्योंकि इसको सिग्नल देने के लिए हमें मोमबत्ती की फ्लेम्स चाहिए होंगी। तो चलिए प्रोग्रामिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कनेक्शंस कर लिए हैं। तो चलिए हम अब प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये मैंने USB ये कनेक्ट कर दिया है, तो ये दूसरी पिन है, ये जाएगी CPU में। तो ये देखिए, आर्डुइनो भी ऑन हो चुका है और फ्लेम सेंसर भी ऑन हो चुका है। तो अब प्रोग्रामिंग करते हैं। चलिए, तो ये आर्डुइनो का सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये फ्लेम सेंसर का प्रोग्राम। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स नहीं दे रहा, आप इधर से ही ये आप कॉपी कर सकते हैं अपने PC में। तो ये चलिए अपलोड करते हैं। तो देखिए, ये अपलोड हो रहा है, इधर टाइम लगता है थोड़ा अपलोड होने में। अपलोड हो चुका है प्रोग्राम। तो चलिए, आप इट्स शो टाइम, अब मैं दिखाता हूँ इसके करता हूँ। तो ये देखिए, जब मैं इसके पास मोमबत्ती रखता हूँ तो ये बहुत ऐसे जल्दी डिम डिम होता है। जब मैं इससे दूर लेता हूँ तो ये देखिए, ये धीरे धीरे होता है। ये इसलिए धीरे मोमबत्ती जब इसलिए हो रहा है क्योंकि
अब देखिए इस फ्लेम सेंसर के मैं पास ले लूँ तो ये बुझ ही नहीं रही, और दूर ले लूँ तो ये देखिए तो ये है हमारा फ्लेम सेंसर का प्रोजेक्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक देना न भूलें।